जय हिंद सभी को। उम्मीद है आप बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 60 माझी सीरीज का। ये साइंस के क्लास है तो आप सभी का स्वागत है, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो एक बार सेशन को शेयर कीजिएगा और भरपूर एनर्जी के साथ आज के सेशन में हम लोग एक बेहतरीन और एक शानदार से सेशन को एंजॉय करते हैं। आप सभी का स्वागत है। और आप जानते हैं कि साइंस में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, ये तीनों सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है, और आप जानते हैं इन क्वेश्चंस को तोड़ना एक स्टूडेंट के लिए बड़ा ही एक गेम होता है। और साइंस को इतने दिनों से पढ़ते पढ़ते हम लोग बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस देखे, आज के क्वेश्चन आपको थोड़े और ही लाजवाब दिखने वाले हैं। पहला सवाल आपके साथ आपका स्वागत करता है न्यूमेरिकल के साथ। ये क्वेश्चन है रेखीय प्रसार गुणांक का, रेखीय क्षेत्रीय और आप आयतनी प्रसार गुणांक का। आप सभी का स्वागत है जो लोग क्लास में जुड़ चुके हैं, सेशन को एक बार शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए, आप जानते हैं पूछा है किसी धातु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक 5x पर केल्विन है, इसका आयतन प्रसार गुणांक क्या होगा। सोच के निकालिएगा, गलती ना हो जाए। आपको पता होगा कि जब भी हम रेखीय प्रसार गुणांक पढ़ते हैं अल्फा बीटा और गामा, हैंग नहीं होना चाहिए था लेकिन क्या ही कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्या ही कर सकते हैं। किसी का कमेंट नहीं दिख रहा है सर जी, एकदम दिखने लगेगा भैया। चलिए यहां पे देखिएगा क्या ही होगा। यहां पे आपके सामने क्या है, आप देख पा रहे होंगे अल्फा बीटा और गामा बराबर क्या होगा, 1:2:3। अल्फा बीटा गामा क्या होता है, 1:2:3। अल्फा बीटा गामा क्या होता है, 1:2:3 होता है। ठीक है, तो अगर हम कहें गामा बराबर क्या होता है, गामा को हम कहते हैं आयतन प्रसार गुणांक। गामा को हम क्या कहते हैं, आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। बीटा को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। और आपका अल्फा को हम कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। आपका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा बराबर होता है 2α और 2α बराबर क्या दिया है, 5। तो यहां पर दिया हुआ है 5x, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 5/2x। और आप जानते हैं गामा बराबर होता है 3α, तो कितना हो जाएगा, 3×5×2। देखिएगा 3×5×x/2 यानी 15/2 यानी 7.5x पर केल्विन, 7.5x पर केल्विन, ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, ए आंसर होगा। तो आपको ऐसे सवालों को करना पड़ेगा। यहां पर कह रहा है यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ज है तो आवर्त काल निकालिए। बड़ा आसान सवाल है। आरती, रिंकी, पुष्पा, राम किशोर, सुचिता, धर्मेंद्र, एक बार जवाब दीजिएगा इस सवाल का। सभी को शेयर करना है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पूछा है मेरे भाई, फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ज दिया है और आपसे आवर्त काल पूछा है। कोई बता पाएगा क्या कि आवर्त काल क्या होता है? तो आवर्त काल बराबर होता है 1/फ्रीक्वेंसी। तो आवर्त काल बराबर होगा 1/फ्रीक्वेंसी, तो यहां पे 1 ले लीजिए और फ्रीक्वेंसी के जगह पे क्या ले लीजिए, 50। तो यहां पे टी बराबर क्या होगा, 50 × 100 यानी 0.02 होता है, 0.02 सेकेंड, ये हो जाएगा। बोलिए क्लियर है, 0.02 सेकेंड, 0.02 सेकेंड। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं। चलिए अगला सेशन आपके सामने है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 0.04 सेकंड है तो तरंग की आवृत्ति होगी, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी बताइएगा। तरंग की आवृत्ति आपसे पूछा हुआ है, यहां पर बताना है आपको क्या होने वाली है। कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल दिया है, आवृत्ति पूछा है, सेम सवाल थोड़ा घुमा के दिया है, गलती नहीं करना है। आपसे आवृत्ति पूछा है तो आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। आवृत्ति कितना दिया है, 0.04 T, और आप जानते हैं सॉरी 1/0.04। दो अंक पे दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा, 4 से काटेंगे, 2500 को 100, 25 हट जाएगा आंसर, 25 हट जाएगा आंसर, बिल्कुल 25 हर्ज आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ चलिए, यहां पर बात हो गई, आगे चले चले आगे। हाँ चलिए, यहां पर कह रहा है जल संवहनी प्रणाली
में किसमें पाई जाती है? जल संवहनी प्रणाली। ये बड़ा बेहतर सवाल है, इसको सोच के देखेंगे तो आपको डर लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार में आपको तोड़ देना है। क्या कर पाएंगे इस सवाल का जवाब सही? किसमें पाई जाती है? इसमें सी कुकुम्बर इसका सही जवाब होगा, सी एनिमोन है, सी पेन है और आस्मीन है। इसका सही जवाब क्या होगा? जल संवहनी प्रणाली किसमें पाई जाती है? सी कुकुम्बर में। ऐसे ही अगर हम कह दें एक और स्टार फिश होती है, स्टार फिश जो इकाइनोडर्मेटा परिवार की होती है। किस परिवार की होती है? इकाइनोडर्मेटा परिवार की, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा परिवार की होती है। और इस स्टार फिश में आपको याद होगा ट्यूब फिट पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? ट्यूब फिट पाया जाता है, ट्यूब फिट पाया जाता है। क्लियर याद रहेगा, ट्यूब फिट पाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? वैसे प्लेनेरिया के बारे में आप जानते होंगे, सबसे ज्यादा क्रिया, सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन इसमें पाया जाता है, सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन इसमें पाया जाता है। तो प्लेनेरिया से सवाल बनता है तो सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, सर्वाधिक पुनरुद्भवन। पूछा जाए कि सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किस जीव में है? इसी में है। एस्कैरिस में मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ा होता है। मेल कैसा होता है? छोटा। और फीमेल कैसा होता है? बड़ा। इसमें मेल छोटा होता है और फीमेल कैसा होता है? बड़ा। आप जानते होंगे मेल छोटा और फीमेल बड़ा होता है। दूसरा स्नेल जो है ना, ऐसा जीव है जिसमें आप जानते हो मेल और फीमेल, इसमें जेंडर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर बेस्ड होता है। घोघा आप जानते होंगे, स्नेल की बात कर रहे हैं। नेरिस आप कन खजूरा और बाकी जानवरों को यहां पर देखे होंगे। चलिए अगला सवाल पूछा है कर्ण सीपी, एकदम देखिएगा यह भी आपका जो सवाल है ना एकदम वहीं से पूछा गया है जहां से बाकी सवाल पूछे गए थे। कर्ण सीपी पूछा हुआ है, इडवल सी स्नेल, अंडरग्राउंड सिटी, अ स्मॉल, एक छोटा लड़ाकू विमान जो होता है, ये किसको कहते हैं? मैं क्या कहते हैं, पोर्टुगीज वार किसको कहते हैं? फाइसेलिया को कहते हैं, फाइसेलिया को कहते हैं दोस्त, ध्यान रखिएगा। इसी को हम कहते हैं पुर्तगाल का जहाज भी कहते हैं, पुर्तगाल का जहाज। ये एक जीव है, एक जीव है जो एक जहाज की तरह दिखाई देता है, फाइसेलिया। कर्ण सीपी हम किसको कहते हैं? एक समुद्री घोघा को कहते हैं। कर्ण सीपी हम एक समुद्री घोघा कहते हैं। ये आपको पहली बार क्वेश्चन लेकर आए हैं तो जाहिर सी बात है कुछ नए क्वेश्चन तो आपको देना पड़ेगा ना, तभी तो आपको मजा आएगा। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कर पाओगे, क्या कर पाओगे, अधिकतम चाल क्या होगी, निकाल पाओगे क्या? ध्यान से देखो क्या दिया है। 1.96 लंबी डोरी के एक सिरे में बधी मांस दे दिया। मांस कितना दे दिया मेरे भाई? 0.25 किलोग्राम। क्षैतिज वृत्त पर घूम रही है, तनाव कितना हो गया? 25 न्यूटन। लिखा है तनाव 25 न्यूटन से अधिक होने पर डोरी टूट जाएगी, तो अधिकतम चाल क्या होगी? यानी आपको v पूछा जा रहा है, v का मान पूछा जा रहा है। तो यहां पर क्या है, रेडियस आपको दे दिया है 1.96, लंबाई यहां पे रेडियस हो जाएगा। तो यहां पर आप जानते हैं टेंशन यानी फोर्स F बराबर एम वी स्क्वायर से निकाल सकते हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर से। तो F का मान कितना होता है? F का मान 25 है और M का मान कितना है? 0.25। V स्क्वायर को वैसे ही रहने दो, R का मान 1.96 दिया है। आराम से करेंगे तभी सवाल हो पाएगा। देखिएगा 0.25 से इसको काटोगे तो 100 आ जाएगा और इसका गुणा करोगे तो 196 आ जाएगा। तो v स्क्वायर बराबर 196, तो v बराबर अंडर रूट 196 और 196 किसका स्क्वायर होता है भाई? 14 का। क्लियर कर पाओगे? आराम से करना। f बराबर mv स्क्वायर बाई r। भैया ऐसे तोड़ तोड़ के क्वेश्चन कराने वाला कोई नहीं मिलेगा जो आपके लिए बिल्कुल हर तरीके की चीजें लेकर आए और आसान तरीके से समझाए। एक डोरी को लेकर जब घुमाओगे ना, एक डोरी बांधे रस्सी में और बांध के एक डोरी को ऐसे घुमा रहे हो, तो जाहिर सी बात है यहां पे एक डोरी ले लिए तो यहां पर क्या हो गया, इधर के तरफ एक बल लगेगा ना और ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, अभिकेंद्र बल होगा। नाम क्या होगा? एमवी स्क्वायर बाई आर। नाम क्या होगा? एमवी स्क्वायर बाई आर। बोलिए क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? चलिए यहां पर एक सवाल पूछा हुआ है आपसे कि अगर साधारण पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो आवर्तकाल क्या होगा?
अगर एक संधारण पेंडुलम की लंबाई को दोगुनी कर दे तो आवर्त काल कितना गुना होगा? इस सवाल का जवाब रिंकी अंकित एकदम सोच के बताओ, आराम से आसान सा फॉर्मूला टी बराबर टू पाई अंडर रूट एल अपान जी, तोड़ दो यार। लंबाई को दोगुना करने की बात कहा है तो यहां पर लंबाई को दोगुना ले लो यार। इसमें क्या करोगे आप देखोगे, केवल करड़ी में दो गुना ही बढ़ेगा एल अपान जी, और यहां पे करड़ी में दो, इसी के जगह पे आपको क्या ले लेना है टी डैश बराबर टी रूट टू। तो यहां पे आपसे कह रहे नया आवर्त काल क्या होगा, करड़ी में दो गुना होगा। बोलो समझ में आया क्या, बोलो क्लियर है क्या? तो हर एक सवाल को तोड़ सकते हो, बस हर एक मुश्किल को करने के लिए आपको डेली समझना पड़ेगा। आसान नहीं है, आसान है, कहने का मतलब केवल फॉर्मूला देखना था। चलिए कितने लोगों को यह समझ में आ गया है, अगर समझ में आ गया तो एक सवाल और कर लो यार, एक सवाल ये करो। हाँ चलिए एक आसान सवाल दे देते, थोड़ा सा सभी लोग के जवाब आ जाए, फिर कठिन सवाल भी कराएंगे। हर तरह के सवाल लेकर आया होता हूं, जैसा एक पेपर होता है। देखो पेपर में आपका सिलेक्शन अभी तक क्यों नहीं हुआ है, अभी तक आपका सिलेक्शन इसलिए हुआ है, नहीं हुआ है कि आपने केवल आसान क्वेश्चन आता है। अपने को अगर आसान क्वेश्चन केवल आएगा ना तो कैसे सिलेक्शन होगा दोस्त? अपने को आसान भी आना चाहिए, कठिन भी आना चाहिए। सिलेक्शन के लिए हर कठिन चीजों को तोड़ना पड़ेगा। और लोग यहां से, लोग जैसे होते ना, जब थोड़ा भी कठिन चीजें देखो तो भागने की प्रवृत्ति होगी ना कि यार ये तो मुझे नहीं आता है। आपको ध्यान देना है, वो क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, वो चीजें आपको कराने की बात कर रहा हूं। पूछा उत्तल दर्पण के बारे में, कहा उत्तल दर्पण में कौन सा मिरर होता है, तो आप जानते हैं उत्तल दर्पण में कौन सा मिरर होता है, उत्तल दर्पण का सॉरी उपयोग क्या होता है? तो उत्तल दर्पण का दो उपयोग होता है दोस्त, एक होता है रोड लाइट, और उत्तल दर्पण का दूसरा उपयोग क्या होता है, वाहनों के रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर, ये दो होते हैं। दूसरी बात अगर अवतल दर्पण की कहूं ना, अवतल दर्पण की कहो, अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण के बारे में क्या जानते हैं आप? अवतल दर्पण के लिए आप अगर हम लोग बात करें अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण के बारे में याद रखिएगा सर्च लाइट में इसका उपयोग करते हैं, सर्च लाइट में। साथ में हम कहां या इस्तेमाल करते हैं अवतल दर्पण का, आप जानते हैं नाक कान दांत के डॉक्टर, नाक कान दांत के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। और कौन उपयोग करता है अवतल दर्पण का, तो आप जानते हैं गाड़ियों के हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट। इसके अलावा कौन इस्तेमाल करता है गाड़ी के हेडलाइट, नाक कान दांत के डॉक्टर। और कौन इस्तेमाल करेगा भाई सर्च लाइट, नाक गाड़ी के हेडलाइट, नाई की दुकान पे, नाई की दुकान पे ये सब होगा। चलो ठीक है, वाहनों में रियर व्यू मिरर क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, चलेगा ना भाई, चलेगा, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। चलिए आगे चलते हैं, कह रहे गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है, गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है यार, चुन के बताओ भाई क्या हो गया? यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है, यह गोलाकार दर्पण का मध्य बिंदु होता है। वक्रता केंद्र क्या होगा, वक्रता केंद्र किसी भी दर्पण का क्या होता है, केंद्र होता है किसी भी दर्पण का, वही कह रहा है। यह मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है जिसमें मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें प्रतिबिंब के बाद गुजरती है। नहीं भैया ये तो नहीं हो सकता, वह उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु जिसे प्रकाश की किरणें आ रही प्रतीत होती है, गोलाकार दर्पण का मध्य बिंदु है, इसको ध्रुव कहते हैं। उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। पहला आंसर सही है, आंसर सही है यार, पहला क्लियर है। इसको ध्रुव कहते हैं, मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। कहोगे थोड़ा सर समझा दीजिए और डिटेल में, आ जाओ भाई एक बार, सभी लोग आराम से समझ लो, एक एक चीजें समझाऊंगा ध्यान से, जब तक सिलेक्शन नहीं दिला दूंगा बिल्कुल हम चैन से नहीं बैठने वाले। जो बेटा मजबूरी में गरीबी की थाली से जो पैदा हुए बच्चे हैं, जिन्होंने जीवन में मुश्किलें झेली है, समस्याएं झेली है, बस उन्हीं को रुकना है यहां पे। जो भैया एकदम जो सक्षम लोग हैं उनके लिए तो बिल्कुल, उनके लिए तो हर सिस्टम उनका साथ देगा। यहां पर आते हैं भैया, एक सवाल को देखते हैं, देखते चलिएगा। दर्पण के दोनों सिरों को मिला देना, दर्पण के दोनों सिरों को क्या कहते हैं बताओ थोड़ा, दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाले को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, एपर्चर कहते हैं। बोलो क्लियर है, सही है। दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाले बिंदु को क्या कहते हैं भाई, द्वारक कहते हैं। और एक सुनो, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं यार,
दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? बोलो भाई, दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? कोई बताएगा? पूर्ण कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं यार, बोलो क्लियर है ना? दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। और अगर हम आपसे कहें दर्पण के केंद्र को क्या कहते हो? दर्पण के केंद्र को क्या कहते हो मेरे भाई? वक्रता केंद्र। और अगर हम कहें कि वक्रता केंद्र और दर्पण से, वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा, यह वक्रता केंद्र है यार, वक्रता केंद्र। दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और कह रहा है वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा को क्या कहोगे? मुख्य अक्ष कहोगे। बोलो क्या कहोगे? वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई रेखा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है ना, उसी को फोकस कहते हैं। ये फोकस बिंदु है मेरे भाई, फोकस बिंदु है। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे जिनको ये आता होगा, लेकिन एक बार यार रिवाइज कर लेने में क्या अंतर है। कैपिटल या फोकस बिंदु होती है, लेकिन फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी, और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे दोस्त? वक्रता त्रिज्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। बोलो क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? एकदम भैया लल्ला, एकदम स्वागत है, आ जाओ। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, एक सवाल और करिएगा। यहां कह रहे जल का अपवर्तनांक दे दिया है और आपसे पूछ रहा है जल में प्रकाश का चाल क्या होगा। आप जानते हैं जो प्रकाश का चाल होता है ना, सघन माध्यम में कम होता है और विरल माध्यम में ज्यादा होता है। क्लियर? याद रखिएगा भाई, एकदम भैया यादव जी मस्त रहिए। गुड़िया, क्या होगा इसका सवाल? फोकस दूरी। बहुत बढ़िया, सभी को जवाब देना है। आप जानते हैं कि प्रकाश का जो चाल होता है ना, v1/v2, ये बिल्कुल रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का उल्टा होता है। यानी जहां पर ज्यादा सघन माध्यम है वहां प्रकाश का मान कम होगा, और जहां विरल माध्यम है वहां प्रकाश का मान ज्यादा होगा। एक बार बताओ यार, पूछा हुआ है जल में प्रकाश का वेग क्या होगा, सभी को जवाब देना है। जल में प्रकाश का वेग, फॉर्मूला बता दूं क्या? जल में प्रकाश का वेग बताना हो तो निर्वात में प्रकाश के वेग में केवल अपवर्तनांक से भाग दे दो। अपवर्तनांक कितना है? 4/3, तो 9/4 × 10^8 कितना आ जाएगा? हो बोलो 2.25 × 10^8, 2.25 × 10^8 ms, यही आ जाएगा 2.25 × 10^8 ms। ये आपका क्या है मेरे भाई? क्लियर है ना? क्या है ये? याद रखिएगा, यही है जल में प्रकाश की चाल। तो आपसे अगर हम कहें जल में प्रकाश का चाल, अगर हम आपसे पूछे तीन चीजें दे दें, यहां पर हम दे दें वायु दे दें, हम आपको जल दे दें, और हम आपको कांच दे दें, हम आपको, हाँ देखो, जल दे दिया, वाटर दे दिया, एयर दे दिया, और हम आपको कांच दे दे, और पूछे तीनों में क्या होगा प्रकाश की चाल, बता पाओगे क्या? क्या होगा प्रकाश की चाल बताओ, क्या होगा? कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बताओ? ज्ञानेंद्र भाई घर चले गए हैं, अभी वेदांत भाई मिलेंगे आपको। चलिए तो यहां पर क्या है भाई, अगर जल में प्रकाश की चाल कहोगे तो 4/3 होता है, वायु में 1 होता है, और कांच में 3/2 होता है। सबसे ज्यादा कौन है? तो यहां पर देखो, अगर अपवर्तनांक की बात करें तो सबसे ज्यादा कांच का है, कांच के बाद जल का है, और जल के बाद वायु का है। क्यों? क्योंकि इसका होगा 1.33, इसका 1 और इसका 1.5, तो सबसे ज्यादा कांच का होगा। लेकिन प्रकाश का वेग सबसे कम किसमें होगा? सबसे कम प्रकाश का वेग कांच में होगा, उसके बाद आप जल में होगा, और सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग कहां पे होगा? वायु में। तो सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग कहां पे होगा? वायु में। ये अंतर समझ लेना तो बिल्कुल चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। पूछा है यहां पे, एक सवाल पूछा हुआ है कि विद्युत प्रवाह की वह मात्रा, हां यहां पर पहले ये वाला सवाल दो, इस वाले सवाल को करो, क्या होगा? बिल्कुल बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। कह रहे इलेक्ट्रिक प्रेशर किसके समान होता है? तो प्रेशर हमेशा विरोध करता है, चीजों को विरोध करता है। तो प्रेशर किसके समान होगा? प्रतिरोध के समान होगा। वैसे अगर हम प्रतिरोध के बारे में बात करें तो ρ/A होता है। प्रतिरोध का दूसरा फार्मूला निकालना चाहें तो v/I होता है। ये दो फार्मूले प्रतिरोध के हैं, ठीक है? ये भी प्रतिरोध है और ये भी प्रतिरोध है। ये दोनों क्या है भाई? प्रतिरोध है, ठीक है?
दोनों प्रतिरोध है। दूसरी बात अगर हम आपसे कहते हैं प्रतिरोध को निकालने का कोई, हाँ यहां पे रो का मान क्या होगा, रो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या होगा भाई, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, चलेगा काम, बहुत बढ़िया। अब इसका जवाब दो, लिखा है एसी परिपथ के बारे में कहा है, एसी परिपथ में धारा की दिशा क्या हो सकती है, एसी परिपथ में धारा की दिशा क्या हो सकती है, समय के साथ बदलेगी कि समान रहेगी। तो आप देखिएगा यहां पर एसी परिपथ में धारा की दिशा की बात करते हैं, तो यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर धारा का मान है और यहां पर समय है, समय है, देखिएगा। तो आपसे अगर हम कहें कि भैया देखो क्या होने वाला है, ये पॉजिटिव होगा ये निगेटिव होगा, यानी समय के साथ जहां धारा की दिशा बदल रही हो उसी को हम प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। समय के साथ एक दिशा में हो सकता है, हमेशा एक दिशा में होगा, पल से पल में बदलती रहती है, तो ये वाला एसी होगा प्रत्यावर्ती धारा। और जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर किस पर काम करेगा, ट्रांसफार्मर आपका एसी पर काम करता है, प्रत्यावर्ती धारा पर काम करता है। डीसी ट्रांसफार्मर भी होते हैं लेकिन अगर नॉर्मल ट्रांसफार्मर की बात करें तो वो एसी कहलाएगा। अगर इस सवाल के बारे में आपसे पूछ रहा है कि सदिश राशि किसे कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी किसे कहेंगे, तो जवाब दो किसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, कोई जवाब देगा इसमें से। अगर आवेश के बारे में बात करेगा, आवेश q बराबर दो फॉर्मूला नोट करिएगा, एक n इंटू ई और दूसरा q बराबर i इंटू टी, एक n इंटू ई और एक i इंटू टी, दोनों के मात्रक क्या होंगे, कूलाम होंगे, दोनों के मात्रक क्या होंगे, कूलाम होंगे। विभव को हम v से, v बराबर क्या होगा, w अपन q, v बराबर क्या होगा, w अपन q, और ये वोल्ट होता है। ये वोल्ट होता है, ठीक है। और पूछा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है, E बराबर क्या होता है, F अपान क्यू, यानी न्यूटन पर कूलाम होगा, E बराबर क्या होगा, F अपान क्यू। तो यहां सदिश राशि केवल आपका वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र जो होता है प्लस से दूर, प्लस से दूर, प्लस से दूर, प्लस से दूर और माइनस की ओर, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है माइनस की ओर होती है, 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 क्लियर। प्लस से दूर होगा और माइनस की ओर होंगी, तो आपको यह बात समझे रहना है, कोई दिक्कत तो नहीं सिमरन रिंकी, क्लियर है। चलिए चलिए यहां पर कुछ ऊपर के सवाल दे रहे हैं, करा रहे हैं। एक सवाल यह था, विद्युत प्रवाह की वह मात्रा जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकती है, तो इसमें कौन सी ऐसी है जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकती है, कितना मेगा एम्पियर अगर आपसे पूछा जाए, विद्युत प्रवाह की वह मात्रा। अच्छा, अगर आपसे विद्युत घनत्व के बारे में पूछा जाए तो विद्युत घनत्व को कैसे हम दर्शाते हैं, तो विद्युत घनत्व जे होता है और जे बराबर क्या होता है, आई अपान ए, विद्युत घनत्व जे होता है, अदिश राशि सॉरी, तो जे बराबर क्या होगा, आई अपान ए, तो इसका मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये 50 मेगा एम्पियर है, ये सबसे ज्यादा है और यही सही जवाब है, ठीक है। चलिए एक सवाल यहां पर दिया, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या होती है, समतल दर्पण आप जानते हैं ना क्या बनेगा भैया, सुलेखा, आरती, गुड्डी, एक बार सभी को सेशन को थोड़ा शेयर करो यार, बताओ क्या होगा, पूछा है समतल दर्पण के द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या है, इमेज की विशेषता क्या है। तो यहां पे समतल दर्पण के बारे में अगर हम कहें ना, तो समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है भाई, तो समतल दर्पण सबसे बड़ी बात सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो सीधा के साथ कैसा बनाएगा, सीधा प्रतिबिंब बनाएगा लेकिन पार्श्व उल्टा बनाएगा, पार्श्व उल्टा यानी बाया का दाया, और साथ में कैसा बनाएगा, आभासी बनाएगा, साथ में कैसा बनाएगा, आभासी, आभासी को वर्चुअल कहते हैं मेरे भाई, और पार्श्व उल्टा को लेटरल, लेटरल इन्वर्टेड होगा, और साथ में अगर हम बात कर दें यहां पर सीधा यानी स्ट्रेट इमेज बनेगा,
बोलो क्लियर बात है कि नहीं। यहां पर अगर और बातें अगर हम कहें कि भैया दर्पण से जुड़ी हुई कुछ और बातें बताने के लिए, तो दो समतल दर्पण के बीच में, यहां सुनिएगा ध्यान से, अगर एक समतल दर्पण है और यहां पर कोई वस्तु हम रख दिए, ये वस्तु रख दिए, तो समतल दर्पण से दूर x दूरी पर वस्तु है तो उसका इमेज भी कितनी दूरी पर बनेगा, उसका इमेज भी x दूरी पर बनेगा, इमेज भी कितने दूरी पर बनेगा, x दूरी पर। तो अगर हम कहें वस्तु से इमेज की दूरी क्या होगी, वस्तु से इमेज की दूरी क्या होगी, x प्लस एक्स, टू एक्स। वस्तु से इमेज की दूरी क्या होगी, 2x होगी। तो x ये और x ये, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2x। क्लियर, बिल्कुल। तो ऐसे ही सवाल बनते हैं। यहां पर पूछा था तो क्या कहोगे, पारस उल्टा एक जगह लिखा हुआ है, बाकी कहीं पर पारस उल्टा लिखा हो तो बात बताओ। पारस उल्टा ही सबसे ज्यादा पहचानने का तरीका होता है, जिससे आप बाएं को दाएं, हां सीधा पारस उल्टा, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। चलिए एक सवाल और है, ये बताओ, एक ध्वनि स्रोत से आपको आवृत्ति दिया हुआ है, साथ में आपके पास तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है, और पूछ रहा है तरंग की चाल क्या होगी। फॉर्मूला भी आपको सोचना है और साथ में आपको रिप्लाई भी देना है कि क्या बनेगा। यह ध्वनि तरंग का आंसर है, ध्वनि एक माध्यम की डिस्टर्बेंस है। आप जानते हैं तरंग दो प्रकार के होते हैं, यांत्रिक और अयांत्रिक। यांत्रिक तरंग दो प्रकार के, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। यहां पर बताओ क्या होगा, तो यहां पर v बराबर क्या हो जाता है, f इंटू लेमडा, और इसी से यह सवाल निकल के आता है कि क्या बनेगा, क्या बनेगा। यहां पे डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हैं 1000 मीटर मीटर पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 400। कितनी फ्रीक्वेंसी दिया है, 400, और लेमडा दिया है 2.5। तो यहां पर कितना आ गया भाई, यहां पर टोटल आ गया 1000 मीटर पर सेकंड। तो v का मान कितना आ गया, 1000 मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर है, 1000 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आइए थोड़ा तरंग के बारे में समझ लेते हैं, केवल हाँ तरंग के बारे में थोड़ा बताते चलिएगा हमको। तरंग तो किसी माध्यम का डिस्टरबेंस होता है, लेकिन आपसे मैं कुछ बात पूछना चाहता हूं। अगर हम तरंग के दो भाग बताएं, एक आपका मैकेनिकल वेव होता है, मैकेनिकल का मतलब होता है यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, यांत्रिक तरंग, और दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, नॉन मैकेनिकल का मतलब अयांत्रिक तरंग होता है, अयांत्रिक तरंग। इसको मीडियम चाहिए, इसमें मीडियम चाहिए, मीडियम, इसमें मीडियम प्रेजेंट है और इसमें मीडियम आपका एब्सेंट है। इसमें मीडियम क्या होगा, एब्सेंट, इसमें आपका मीडियम एब्सेंट होगा। अगर हम आपसे पूछते हैं नॉन मैकेनिकल वेव जो है कितने तरह की होती है, तो नॉन मैकेनिकल वेव आपकी दो प्रकार की होगी। कौन कौन सी होगी, नॉन मैकेनिकल वेव, सॉरी, नॉन मैकेनिकल वेव जो होती है ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसमें गामा हो गया, एक्स हो गया, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, ये सब होंगे। वैसे प्रकाश तरंग भी इसी के अंतर्गत आता है, प्रकाश भी इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है ना, ये माध्यम के संचरण की दिशा में चलती है, और इसका उदाहरण ध्वनि तरंग होता है, और दूसरा होता है अनुप्रस्थ। तो अनुप्रस्थ जो तरंग होती है ना, ये रस्सी में जो तरंग उत्पन्न होती है, जो तालाब के सतह पर उत्पन्न होती है, तालाब के सतह पर, रस्सी में, तालाब के सतह पर यह अनुप्रस्थ होती है। ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन कोई बताए, हाँ क्या होगा भाई, यहां पर पूछा है ध्वनि तरंगों की गति दिया हुआ है और यहां पर तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है, तरंग दैर्ध्य नहीं, यहां पर दूरी दिया हुआ है, और पूछा है कितना समय लगेगा। तो ये ऐसा सवाल हो गया कि दूरी बटा वेग, दूरी और वेग दिया है, समय पूछा है, निकाल पाएंगे क्या आप। यहां पर देखिएगा, अगर 7 किलोमीटर का मतलब 7000 मीटर और 700 मीटर पर सेकंड,
समय निकल गया क्या 2-0 से, 10 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गया, तो सही आंसर क्या बन जाएगा भाई, 10 सेकंड बन जाएगा, सही आंसर क्या बन जाएगा, 10 सेकंड, बोलो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है भैया, आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन को, एक बार बताओ, सभी लोग थोड़ा स्माइली स्माइली भेजो, थोड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखें, अगर चीजें समझ में आ रही है, न्यूमेरिकल समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पीछे के सारे सवाल हो गए, एक सवाल आपका बचा हुआ है और इसके बाद हम लोग फिर आगे चलेंगे। हाँ भाई एकदम, ये लगा मेरे चेले पहुंच गए हैं, मलिंगा है, रिंगी है, रवि प्रकाश है, विश्वकर्मा जी है, बहुत बढ़िया, अब मचेगा तूफान यार, अब तूफान मचाना है, यहां सेकंड लोलक कह दिया, देखो यहां पर लाइन गलत लिख दिया है, सेकंड लोलक के बारे में बात किया, सेकंड लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाता है जहां जी का मान पृथ्वी के जी का मान का जी बटा 6 है, आपसे पूछा है लोलक का आवर्तकाल चंद्रमा पर क्या होगा, अब यहां पे क्वेश्चन देखो, टी बराबर होता है 2π अंडर रूट एल अपान जी, बोलो क्लियर है, केवल जी का मान समझ लो, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है 2 सेकेंड, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड, और यहां पर देखना, यहां पर टी बराबर 2π और इसका मान 2 सेकेंड आया है, तो एल तो एल ही रहेगा, जी का मान जी बाई 6 हो जाएगा, ठीक है, और देखो 2π L/6 इसके जगह पे आपको क्या लगा देना है 2 सेकंड, तो 2 करड़ी में 6 सेकंड ये आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 2 करड़ी में 6 सेकंड ये आंसर आ जाएगा, आसान सवाल था, आप इसी के जगह पर क्या लिखा गया था 2 सेकंड, तो जी बाई 6 किए तो 6 ऊपर चला गया 2 बाई, देखिए आसान सवाल था, जो क्लास में रहेगा और एक एक सवाल को देखेगा उसको डर नहीं लगने वाला है, ठीक है, यहां पर देखिएगा, वह वक्रीय दर्पण अ कर्व्ड मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड इज कॉल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर हो, इस दर्पण को क्या कहेंगे बताओ, इस दर्पण को क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे इस दर्पण को, वैसे आप जानते हैं अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जिंग, क्या बोला जाता है कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग का मतलब होता है जो प्रकाश को एक तरफ एकत्रित कर दे, जो प्रकाश को एक बिंदु पर एकत्रित कर दे उसी को हम कन्वर्जिंग मिरर, उसी को हम अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं, उसी को हम अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं, ठीक है, और कहोगे सर जी इस दर्पण को क्या कहेंगे, इस दर्पण को, यहां देखना प्रकाश को जो फैला दे, प्रकाश को जो फैला दे क्या करता है वो अपसारी दर्पण है, प्रकाश को जो फैला दे उसको हम क्या कहते हैं अपसारी दर्पण, तो ये अपसारी दर्पण कहलाता है अपसारी, ठीक ना, डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है डाइवर्जिंग, ये प्रकाश को क्या करता है प्रकाश को फैलाता है, तो जो प्रकाश को फैलाता है उसी को हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, तो हमारे जो सवाल हो चुके थे हम लोगों के वो लगभग आपने 20 हाँ 21 सवाल कर चुके हैं, 22वां सवाल आपके सामने, ठीक है, अच्छा नेटवर्क इशू आ रहा है सभी के पास आ रहा है, अच्छा एक बार लाइक वाइक करो, कहीं मेरी क्लास में नजर थोड़ा लग ही जाता है, हाँ बिल्कुल, आप लोगों को नहीं लगता क्या, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी उंगली, तो आप जानते हैं एक उंगली होती है जिसको अंगूठा कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं तर्जनी, और तीसरे को हम मध्यमा कहते हैं, तीन उंगलियां हैं, अंगूठा को हमने बोला थंब, क्या बोल दिया थंब, तर्जनी को हमने बोला इंडेक्स, और मध्यमा को हमने बोल दिया मिडल, तो अंगूठा तर्जनी और मिडिल, अगर हम अंगूठा के बारे में बात करें तो फोर्स, तर्जनी के बारे में बात करें मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड,
और इंडेक्स के बारे में बात करें तो करंट, इंडेक्स के बारे में बात करें तो क्या होगा, करंट। करंट तो यहां पे कह रहा है कि तर्जनी उंगली किस प्रकार से किसको प्रदर्शित करती है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र को, तर्जनी उंगली किसको प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र को। फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। सर आज पता चला कि क्लास, अच्छा अच्छा बहुत सारे लोगों को यही पता है कि क्लास नहीं, बीच में जब बंद हुआ तो लोगों को ये लगा कि क्लास बंद हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर क्लास शुरू भी हुई लेकिन अभी सभी को खबर नहीं हुआ, आप ही खबर करने वाले लोगों में से है। पूछा न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, आपको पता है क्या? अगर हम आपसे एक एक चीजों के बारे में पूछे, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है ई माइनस, प्रोटॉन का सिंबल होता है क्या, पी प्लस, न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है, एन जीरो, हाँ, पॉजिट्रॉन का सिंबल क्या होता है, पॉजिट्रॉन का ई प्लस। अगर हम कहें एंटी प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है, एंटी प्रोटॉन का, एंटी प्रोटॉन का पी माइनस, ठीक है, बस हो गया। न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है, उदासीन आवेशीन, न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, उदासीन आवेशीन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है बताओ, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थॉमसन है, ठीक है। प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड ऑप्शन में ना हो तो गोल्डस्टीन देना। न्यूट्रॉन के चैडविक है, जेम्स चैडविक। अच्छा एक और बात बताओ, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, किसी को मालूम है क्या पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? अच्छा अपकमिंग में नहीं दिखा रहा था, ओके एंडरसन है। कौन है भाई, एंडरसन है। और कह रहा है एंटी प्रोटॉन में क्या है, एंटी प्रोटॉन में, तो एंटी प्रोटॉन का बेटा इसको तो मुझे भी नहीं याद आ रहा है, एंटी प्रोटॉन का यार थोड़ा आप लोग बता देना कमेंट करके, जैसे बताते ना दहाड़ के वैसे। ये वाला देखो, इस सवाल को कौन बताएगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध और धारा दोनों बताना है। पिंकी मलिंगा गुड्डी यादव जी, रिंकी जबरदस्त लवली, बताएं क्या होगा। यहां पर तीन दो पांच ओम के तीन प्रतिरोध है, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया। ये आपका हो गया थ्री ओम, ये आपका हो गया टू ओम, और ये आपका हो गया फाइव ओम, तीनों को जोड़ दिया। ये 12 वोल्ट हो गया, दस ओम। बोलेंगे सर जी 10 ओम होगा, लेकिन अगर धारा पूछ लेता, आई पूछ लेता तो वी अपान आर, और वी का मान कितना था, 12/10 यानी 1.2 एम्पियर। बोलो भैया राधे राधे, बोलो क्लियर है कि नहीं, मजा आया कि नहीं, कि ऐसा तो नहीं है जिसको न समझ में आया, सभी को क्लियर हुआ। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं मेरे भाई। 5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है, सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की विद्युत आवेश की मात्रा को ज्ञात करें, क्या जवाब दोगे। 5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट के द्वारा ली जाती है, कितनी, 5 एम्पियर की एक धारा, विद्युत आवेश की मात्रा बतानी है। तो आपसे मैंने कहा था आवेश अगर निकालना हो तो आई इंटू टी, आई क्या है धारा है, टी क्या है समय है, यानी धारा और समय का गुणा करेंगे तो आवेश निकलेगा, लेकिन समय यहां पर मिनट में, तो मिनट को आपको सेकंड में बदलना है, 5 × 10 × 60 यानी आपके पास 6 × 25 30 दो जीरो और लगा देना है, 3000 कूलम। क्या होगा भाई, 3000 कूलम। यहां पे सही आंसर क्या बनेगा, 3000 कूलम। बोलिए क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यहां पर, 3000 कूलम। सर जी आज डिस्टर्ब हो रहा है, अच्छा रिश्ता कोई नहीं, नजर लग जाती है ना मेरे क्लास को, एक बार लाइक वाइक थोड़ा दबा के ठोको यार। चलो आओ यहां पर अगले सवाल की तरफ चले। क्या पूछा है, 10 ओम के प्रतिरोध से प्रतिरोध में इतने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, एक मिनट में कितना आवेश जाएगा, जवाब देना है आपको, क्या बनेगा मलिंगा, सिमरन गुड्डी यादव जी क्या होगा, जमशेद क्या होगा, खुश क्या होगा, भैया मलिंगा क्या होगा। कहते हैं हक है
तो छीन लो हकदार की तरह, याद है ना, हक है नौकरी पे तो छीन लो हकदार की तरह, क्यों मांगते हो गुनहगार की तरह। क्लास अब डेली चलेगी एकदम, विशाल सर की क्लास, बिल्कुल विशाल सर इलाहाबाद गए थे, आ ही रहे होंगे, रास्ते में होंगे, बिल्कुल आपकी क्लास, जहां तक मुझे पूरी जानकारी तो अभी नहीं मिली है, लेकिन आपकी एनर्जी आज इस क्लास में पूरी भरपूर बननी चाहिए। पूछा है आवेश की मात्रा क्या होगी, तो Q बराबर I इंटू टी, आई है 0.5 और समय दिया हुआ है 60, तो क्या होने वाला है 30 सेकेंड, 30 कूलम होने वाला है, बोलो भैया, बोलो भैया, क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर ए हुआ, सभी का आया कि नहीं आया, कहोगे एक मिनट कहा है भाई, एक मिनट का है, इसको नहीं लेना है, ये तो प्रतिरोध था यार, प्रतिरोध को क्यों ले रहे हो इस सवाल में। चलिए आगे चलता हूं, पूछा हुआ है 12 वोल्ट का विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच है, कार्य दिया हुआ है, बिंदुओं के बीच बहने वाले विद्युत आवेश का मान क्या होगा, एक बार ध्यान से चुन के बताओ भाई, विद्युत आवेश का मान, फार्मूला याद रखे हो, V बराबर W अपन Q, ये W क्या है वर्क है, और ये Q क्या है चार्ज है, और V क्या है वोल्ट है, पोटेंशियल है, V क्या है भाई पोटेंशियल है, तो यहां पर अगर हम आपसे कह रहे हैं Q क्या होगा, तो W अपन V होगा, W कितना है, W कितना है, W कितना है 36 और 12, Q कितना होगा 3 कूलम, बोलो भैया राधे राधे, किसी को कोई डाउट तो नहीं होने वाला है, एकदम जबरदस्त, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भैया एकदम जबरदस्त, जिंदाबाद, बिल्कुल। यहां पर पूछा है विभवांतर 12 वोल्ट किया गया कार्य 60 जूल, सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगी, यानी यहां पर निकालना आपको है विद्युत आवेश की मात्रा, और आपके पास Q निकालना है, जैसे यहां पे Q निकाले थे वैसे यहां पर भी Q निकालोगे W अपान V से, लेकिन सबसे पहले निकालना है, देखते हैं सबसे पहले, बिल्कुल एकदम भैया बिहार की धरती से नमस्कार, तो एकदम भैया, लेकिन बिहार में कहां से है भैया सीमा, एकदम बताओ क्या होगा W अपान V, W कितना है 60 और 60/12 कितना होता है 5 कूलम, बोलो भैया 5 सही होगा कि नहीं होगा, एकदम जबरदस्त। अगले सवाल में चलते हैं भाई, पूछा एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-7 है, तो संयोजकता क्या होगी, 2-8-7 संयोजी कोष ये होता है, संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से 7 घटा दो, संयोजकता कितनी हो जाएगी, 8 में से 7 गया 1, कितनी हो जाएगी 1, कहोगे कैसे पता चला, सुन लो, लास्ट वाले कोष को संयोजी कोष कहते हैं, तो संयोजी कोष में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता होती है 1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो होती है 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो होती है 3, 4 इलेक्ट्रॉन है तो होती है 4, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 5 गया 3, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 6 गया 2, 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 7 गया 1, और 8 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता हो जाती है 0। लेकिन ध्यान देना, अगर हम पूछते हैं कि कुल इलेक्ट्रॉन 2 हो, अगर कुल इलेक्ट्रॉन 2 हो, कुल इलेक्ट्रॉन 2 हो तो वो हीलियम तत्व होगा, हीलियम तत्व होगा, और वो डुप्लेट बनाता है, क्या बनाता है डुप्लेट, और इसकी संयोजकता कितनी होती है, तो इसकी संयोजकता होती है 0, इसकी संयोजकता कितनी होती है मेरे भाई 0 होती है, याद रखना, कोई डाउट तो नहीं किसी को, बिल्कुल एकदम जबरदस्त तरीके से याद रखना, तो याद रहेगा ना। चलिए अगले सवाल पे पूछ, हाँ चलते हैं, इका सिलिकॉन में बदल दिया गया, जिसकी खोद में बाद में हुई और उसका नाम इका सिलिकॉन कर दिया गया, बक्सर जिला से, बहुत बढ़िया, चलिए गुड्डे रवि क्या होगा भाई, पिंकी क्या होगा, गोस्वामी जी क्या होगा, यहां देखिएगा, कह रहा बैल सी जिंदगी आ बैल मुझे मार, बैल सी जिंदगी, जो जिंदगी का कोई मोल नहीं है, और सच गाना गाए, सच गाना गाए, सच गाना गाए, ये है बैल सी जिंदगी, बैल सी जिंदगी, इसको कहते एका सिलिकॉन, क्या कहते हैं एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन कहते, एका सिलिकॉन किसको कहते हैं जर्मेनियम को, एका सिलिकॉन किसको कहते हैं जर्मेनियम को, तो यहां पर क्या होने वाला है जर्मेनियम, क्या होगा आंसर में, जर्मेनियम होगा, बोलो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं आपको, एकदम। एस्केंडियम को क्या कहते हैं, एका बोरान, एस्केंडियम को एका बोरान, और अगर हम गैलियम को कहें तो एका एल्यूमिनियम, क्या कहते हैं एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम, बोलो क्लियर है। चलिए न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणु में मौजूद है, न्यूट्रॉन को छोड़कर कौन ऐसा है जो सभी परमाणु में मौजूद है, आपको बताना है, इसमें से हाइड्रोजन ऐसा है जो सभी परमाणु में क्या है मौजूद है।
याद रहेगा। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए तब तक, ठीक है, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल, इस सवाल का क्या आंसर होगा बताइए, इस सवाल का क्या आंसर होगा। पीडीएफ आपको एमडी क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा या अभिषेक सर एमडी क्लासेज पर ले लीजिएगा, डेली पीडीएफ लिया कीजिए, उसमें से जो नई चीजें हैं नोट किया कीजिए। आज के सवाल में शुरुआत के 8 से 10 सवाल जो है आपके लिए बेहद जरूरी है, नोट करके रख लेना। यहां पर पूछा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 हो तो वह तत्व क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, उसका पीरियड क्या होगा 2, उसका ग्रुप क्या होगा 16। बोलो क्लियर है, लेकिन साथ में ध्यान देना है आपको एक और समस्या पूछा है, किसकी संस्थाने एक जबरदस्त समस्या है, सबसे ज्यादा जंग किसमें लगता है, सबसे ज्यादा जंग किसमें लगता है तो लोहे में लगता है सबसे ज्यादा। आगे की बात बताऊं, ये बिल्कुल आप बिहार एसएससी की बुक ले सकते हैं, यहां से परचेज कर सकते हैं बुक सेक्शन में जाके मात्र 185 रुपए में। और दूसरी बात, एमडी क्लासेज के ऑफिशियल एप्लीकेशन से जरूर जुड़िएगा, जुड़ने के लिए एमडी क्लासेज ऑफिशियल सर्च करके इंस्टॉल करके नाम नंबर रजिस्टर कर लेंगे, फ्री में टेस्ट और बहुत सारी चीजें फ्री में, प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाते हैं। यह अभिषेक सर एमडी क्लासेज का टेलीग्राम चैनल है, उम्मीद है सभी के सभी जुड़ गए होंगे, जो नहीं जुड़ा होगा बिल्कुल आज जुड़ जाएगा भाई। और इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं आप सभी को आज का सेशन जो है जबरदस्त लगा होगा। कितने लोगों को आज का सेशन मजा आया है भाई, कौन कौन ऐसा है जिसको आज के सेशन में बड़ा मजा आया है एक बार बता देना, ठीक है, क्या क्लियर है, मजा आया ना। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे और दोबारा मुलाकात होगी कल आपसे, कितने समय में, बिल्कुल रात में 8 बजे। तो याद रखिए दिमाग में कि एमडी क्लासेज पे रात में 8 बजे अभिषेक सर की साइंस की क्लास एमडी क्लासेज पे मिलेगी। बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यही आना है। डेली आपको 10 ऐसे सवाल मिलेंगे जिसमें आपको जूझना पड़ेगा, आपको तोड़ना पड़ेगा और इसी से आपकी तैयारी होगी, इसी से आपका सिलेक्शन होगा बिल्कुल। तो चलिए फिर मुलाकात होगी कल और सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। आज के सेशन को दोबारा देख लीजिएगा, क्लास अच्छी लगी होगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक करिएगा, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करिएगा, लेकिन अपने दिल की बात जरूर सुनिएगा। जय हिंद सभी को, जय हिंद, धन्यवाद।